गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर नर्सिंग प्रोसेस जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या था? नर्सिंग प्रोसेस। ये प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि व्हाट इज द नर्सिंग प्रोसेस, और उसके बाद में उसके इम्पोर्टेंस और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे। और नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो 5 फेज थी, नर्सिंग प्रक्रिया के चरण, तो 5 चरण थे, उसमें से आज जो फर्स्ट जो फेज है असेसमेंट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नर्सिंग प्रोसेस की बात करें तो ये एग्ज़ाम व्यू की तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जिसके अंदर उसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसकी फेस के बारे में डिटेल से बताना, एवं ये समरी के रूप में 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। अब आज अपन बात करते हैं नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो असेसमेंट होता है। जैसे पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया, हॉस्पिटल में आने के बाद में उसका डाटा का कलेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसको क्या दिक्कत है, सारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं, तो वो होता है असेसमेंट। अब असेसमेंट के अंदर कैसे असेसमेंट किया जाता है, कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन कौन सी विधियाँ यूज करेंगे, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, असेसमेंट की डेफिनेशन। असेसमेंट इज ए deliberate and systematic collection of data determine the client current and past health status। तो असेसमेंट क्या है, एक डाटा का कलेक्शन करना, ठीक है ना, डाटा कलेक्शन करना। जैसे पेशेंट आया तो उसकी सारी हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री एंड पास्ट हिस्ट्री। प्रेजेंट मतलब करंट हिस्ट्री के अंदर जो अभी क्या दिक्कत है, और पास्ट हिस्ट्री के अंदर उसको पहले कोई और दिक्कत थी या नहीं थी, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ में डाटा कलेक्शन करेंगे फंक्शनल स्टेटस, कि उस पर्सन का क्या फंक्शन है, या फंक्शन वो क्या, उसको दिक्कत है क्या नहीं है, मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड डिटरमाइन द क्लाइंट प्रेजेंट एंड कोपिंग पैटर्न, और उस पेशेंट का डिटरमाइन करेंगे उसको अभी की क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, कि एक डाटा का कलेक्शन करना, जिससे पर्सन के उस पेशेंट या क्लाइंट के बारे में मालूम पड़ सके कि उसको रियल क्या दिक्कत है, तो एक डाटा का कलेक्शन करना, ठीक है। असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस, मतलब असेसमेंट है वो एक फर्स्ट स्टेप है ऑफ नर्सिंग प्रोसेस का। तो हेल्थ स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए असेसमेंट कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब अपने असेसमेंट के बारे में अपन बात कर लिया कि ये एक क्या है, कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एक्टिविटी है, उसको कैसे फाइंड आउट करना, या पेशेंट को क्या दिक्कत है, उसका एक डाटा तैयार करना असेसमेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं असेसमेंट करने से क्या पर्पज है, या उसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले असेसमेंट के पर्पज़ की बात करें, द गैदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट हेल्थ, मतलब कि इन्फॉर्मेशन तैयार करना, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, और क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस, कि क्लाइंट है उसकी क्या हेल्थ स्टेटस है, उसको क्या दिक्कत है, पहले क्या थी अभी क्या थी, तो एक तो ये डाटा इन्फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद में डिटरमाइन द क्लाइंट नॉर्मल फंक्शन, और उसके बाद में जो क्लाइंट की नॉर्मल फंक्शन क्या है, उसको भी डिटरमाइन करेंगे। टू ऑर्गेनाइज द कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, तो जो इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। द कन्फर्म हाइपोथेसिस ग्रोविंग आउट ऑफ द नर्स इंटरव्यू, मतलब कि जैसे कोई भी पर्सन को दिक्कत है, तो उसकी परिकल्पना करेंगे, उनको परिकल्पना करेंगे कि क्या उसको दिक्कत है। एनहेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम, नर्सिंग प्रॉब्लम के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। द फ्रेम नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग का उसके डाटा कलेक्शन हुआ, तो डाटा कलेक्शन हुआ या असेसमेंट हुआ, उस असेसमेंट के आधार पर क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस का तैयार करेंगे। तो असेसमेंट के बिना नर्सिंग डायग्नोसिस संभव नहीं है, तो एक फ्रेमवर्क है नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए असेसमेंट। The increase greater managing skill of handling patient problem, तो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने के लिए। आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम,
क्या प्रॉब्लम है उसको जानने के लिए असेसमेंट करते हैं। दूसरा है आइडेंटिफाई नीड फॉर द हेल्थ टीचिंग। अब जैसे अपन डाटा कलेक्शन किया, डाटा कलेक्शन के बाद में मालूम पड़ा कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सी टीचिंग देनी है, हेल्थ टीचिंग देने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये थे असेसमेंट के पर्पज़। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं असेसमेंट प्रोसेस। अब देखिएगा असेसमेंट प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन सी विधियों से करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट की बात करें तो ये नर्सिंग प्रक्रिया का एक फर्स्ट प्रथम चरण है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट फेस है। इसमें रोगी के तथ्यों का इकट्ठा करना, इसमें जो फर्स्ट फेस है इसके अंदर क्या करते हैं कि जो क्लाइंट है उस क्लाइंट का जो डाटा तैयार करना, क्रमबद्ध और तर्कसंगत कलेक्शन करना निर्धारण कहलाता है। ठीक है ना, असेसमेंट वाला जो पहले डेफिनेशन पढ़े वही है। आंकड़ों और तथ्यों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसमें निम्न प्रक्रिया सम्मिलित है। तो असेसमेंट के अंदर क्या क्या प्रक्रिया सम्मिलित है जिसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले है तथ्यों का संग्रहण, मतलब डाटा कलेक्शन करना। सबसे फर्स्ट जो प्रक्रिया है वो डाटा कलेक्शन करना। दूसरा है डाटा का एनालिसिस करना, जैसे सारे डाटा अपने ले लिए और लेने के बाद में उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस के बाद में तीसरा क्या प्रोसेस है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम समस्या का विवरण क्या निकलेगा, तो नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो अभी जो बात करते हैं नर्सिंग प्रोसेस के अंदर तीन प्रक्रिया है जिसके अंदर डाटा कलेक्शन, पहले डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है डाटा कलेक्शन कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन रोगी से कलेक्ट किए जाने वाले तथ्यों में ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा दोनों प्रकार के तथ्य सम्मिलित हैं। जे देखो डाटा कलेक्शन करना है तो डाटा को कलेक्शन करने के लिए एक तो ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं, एक सब्जेक्टिव डाटा होते हैं। तो इन दोनों के द्वारा ही पेशेंट से उसकी प्रॉब्लम को देखा जा सकता है। ठीक है, मरीज से ऑब्जेक्टिव कलेक्शन किए जाते हैं, मरीज है तो मरीज से क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव कलेक्शन किया जाता है। रोगी अपने सारी लक्षणों को बताता है और नर्स रोगी के रिश्तेदारों के द्वारा भी रिपोर्ट क्या करती है, एकटा की जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है बात करते हैं डाटा असेसमेंट स्वास्थ्य टीम के द्वारा किया जाता है। जो डाटा का जो तैयार किया जाता है तो वो हेल्थ टीम के द्वारा किया जाता है और उसका कलेक्शन में नर्सिंग हिस्ट्री और फिजिकल असेसमेंट किया जाता है। डाटा कलेक्शन के अंदर नर्सिंग हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन की बात करें तो एक तो सब्जेक्टिव डाटा लेंगे और एक लेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है ना, तो अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा की बात करें तो दो प्रकार के डाटा की अपन पहले बात की है। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ते हैं सब्जेक्टिव डाटा, जो पेशेंट आया है उसका सब्जेक्टिव डाटा कैसे तैयार करेंगे और जो पेशेंट है उसका ऑब्जेक्टिव डाटा कैसे तैयार करेंगे। देखिएगा सब्जेक्टिव डाटा, सबसे पहले है सब्जेक्टिव डाटा, ये इंपॉर्टेंट है देखना। सब्जेक्टिव डाटा आर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। सब्जेक्टिव डाटा है वो कहाँ से तैयार की जाती है, पेशेंट से तैयार किया जाता है। पेशेंट खुद बताता है, ठीक है ना, पेशेंट बताएगा कि मेरे को ये दिक्कत है तो वो क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट के द्वारा बताया गया जो साइन सिम्टम रहेंगे, जो सिम्टम देखने को मिलेंगे वो है सब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू सिम्टम्स इंक्लूड द फीलिंग, वो फीलिंग के द्वारा या परसेप्शन के द्वारा या कॉन्सर्न ऑब्टेन थ्रू द इंटरव्यू। जैसे इंटरव्यू का मतलब होता है कि अपन उस पर्सन को क्वेश्चन पूछेंगे या और क्वेश्चन वो वापस जवाब देगा। ठीक है ना, कि मेरे को पेन है, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग है या भूख नहीं लग रही है, तो ये कंडीशन जो होती है वो सब्जेक्टिव डाटा कहलाता है। इसका मतलब ये है, सब्जेक्टिव डाटा का मतलब ये है
कि सब्जेक्टिव डाटा जो क्लाइंट है वो बताएगा, ठीक है ना। जो सिम्टम होते हैं, जैसे पेशेंट आया हॉस्पिटल में आया और पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग हो रही है, या मेरे को भूख नहीं लग रहा है, तो ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है? सब्जेक्टिव डाटा। तो एक अपन डाटा कलेक्शन करेंगे सब्जेक्टिव डाटा, और दूसरा जो डाटा तैयार कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या आएगा, आपने आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्लाइंट के द्वारा बताया जाता है, वो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेन है, डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग है, एनोरेक्सिया है, या जो उसको दिक्कत है वो बताएगा, है ना। तो सब्जेक्टिव के अंदर जो पेशेंट बताता है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर देखिएगा ऑब्जेक्टिव डाटा, डाटा आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। इसके अंदर क्या होगा कि डाटा है जो ऑब्जर्वेबल है, मतलब अपन देखने लायक है, अवलोकन कर सकते हैं। दूसरा है मेजरेबल, मतलब मेजर कर सकते हैं, साइन होते हैं, ऑब्टेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन फिजिशियन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये जो कैसे तैयार किए जाते हैं, तो ये जो है वो या तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से, या लेबोरेटरी से, या फिजिकल एग्जामिनेशन से, ठीक है ना। तो ये तैयार किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, या तो लैब में डायग्नोसिस करेंगे, या डायग्नोसिस करते हैं, या लेबोरेटरी जांच करवाते हैं, या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर डाटा कलेक्शन कौन करता है? ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन वाले, जैसे अवलोकन करने वाला, ठीक है, या फिजिशियन या डॉक्टर, है ना, जैसे फिजिशियन है या नर्स है या ऑब्जर्वर है, तो वो डाटा का कलेक्शन करता है। इसमें पेशेंट को देख करके उसके ऊपर क्या दिक्कत है या क्या क्या है, तो वो देखने के बाद में या मेजरमेंट करने के बाद में जो डाटा तैयार होता है वो ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर डिफरेंस ये है कि सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट के द्वारा बताया जाता है, जैसे कि मेरे को दर्द हो रहा है या मेरे को सांस में तकलीफ हो रही है। ऑब्जेक्टिव डाटा फिजिशियन या डॉक्टर जैसे नर्स के द्वारा कलेक्शन किया जाता है, जैसे कि स्वेलिंग है, कितनी स्वेलिंग है, या टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे तब तो मालूम पड़ेगा, या अब ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, तो ये क्या होता है कि किसी हेल्थ वर्कर के द्वारा लिया जाता है, और सब्जेक्टिव डाटा है पेशेंट बताता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको कन्फर्म हो गया होगा। एग्जाम्पल देख करके आप अच्छे से समझ जाइएगा, एग्जाम्पल को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अब मैं डाटा कलेक्शन करने का कौन कौन से मेथड है, पहले तो देख लिया सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, अब अपन बात करते हैं कि डाटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मेथड के अंदर सबसे पहले इंटरव्यू, दूसरा ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी डाटा, रिकॉर्ड्स एंड बुक्स के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू मरीज एवं उनके परिजनों से संबंधित क्वेश्चन पूछकर डाटा का पता लगाना। साक्षात्कार किसी उद्देश्य के लिए की गई आमने सामने की बातचीत है, ये मरीज की स्वयं समस्या का पता लगाने में मदद करती है। देखिएगा इसके अंदर इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब है कि पेशेंट से अपन आमने सामने बात करेंगे, उनको क्या दिक्कत थी, उनको क्वेश्चन पूछेंगे कि आप हॉस्पिटल के अंदर क्यों आए, आपको क्या क्या दिक्कत थी, पहले कोई दिक्कत थी या नहीं थी, तो ये सब इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं, और उस इंटरव्यू के पूछने के बाद में उनको क्या प्रॉब्लम थी उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके द्वारा डाटा कलेक्शन हुआ। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब है अवलोकन करना। जैसे कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया, तो हॉस्पिटल के अंदर आएगा तो अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन के दौरान नर्स मरीज का परीक्षण निम्न योग्यता के द्वारा कर सकती है। तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले कैसे कैसे करेंगे, जैसे अपने सेंस ऑर्गन है, जैसे स्मेल, शरीर से आ रही गंध या घाव, मूत्र आदि की स्मेल, जैसे कि यूरिन की जो स्मेल आ रही है, तो वो बेड स्मेल या एबनॉर्मल स्मेल आ रही है, तो अपन पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी है, या वुंड की कंडीशन, ठीक है, वुंड से या जो यूरिन से जो स्मेल आ रही है उसके बारे में देखेंगे। तो मतलब
पहला सेंस ऑर्गन, ठीक है ना, जो स्मेल है, स्मेल के द्वारा अपन पता कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट है जो हियरिंग, सुन करके, शरीर से उत्पन्न होने वाली सामान्य या असामान्य ध्वनि सुन करके। जैसे पेशेंट देखा होगा कि डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग वाला, अस्थमा वाला पेशेंट होता है, उसके अंदर व्हीजिंग साउंड आती है, व्हिसलिंग साउंड आती है, और उसको साउंड से भी अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विजन, मतलब देख करके, मरीज के शरीर पर सामान्य या असामान्य सिन देख करके, साइन यानी सिन देख करके अपन डाटा को कलेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट है टच, अंगों के स्पर्श द्वारा, टच का मतलब है स्पर्श करना। तो ये अपन क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद में नेक्स्ट जो टेक्निक थी डाटा कलेक्शन की वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। अब देखिएगा फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें नर्स निम्न विधियों का उपयोग कर सकती है। देखो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर चार प्रकार के जो मेथड है, फोर मेथड है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहले है इंस्पेक्शन, दूसरा है एस्कल्टेशन, तीसरा है पाल्पेशन, और चौथे नंबर पे है परक्यूशन, ठीक है। इंस्पेक्शन शरीर के ऊपर स्थित स्त्राव, मतलब सिक्रेशन हुआ, स्वेलिंग हुआ या रेसेज को देखना, इंस्पेक्शन का मतलब देखना, ठीक है ना। तो इंस्पेक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि शरीर के ऊपर क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन में मतलब सिक्रेशन के बारे में देखा, स्वेलिंग है या नहीं है देखे, या रेसेज है या नहीं है, उसको उसके द्वारा देख करके डाटा का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है इंस्पेक्शन के बाद में एस्कल्टेशन, एस्कल्टेशन के अंदर है हार्ट साउंड या ब्रेथ साउंड सुनना, स्टेथोस्कोप की सहायता से जो हार्ट साउंड सुनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप के चेस्ट पे लगाता है और पीछे बैक की साइड पे लगाता है, और वो वहाँ से क्या करते हैं कि हार्ट के साउंड को देखते हैं या ब्रेथ साउंड को सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पाल्पेशन, पाल्पेशन के अंदर क्या होगा, मरीज के शरीर के विशेष भाग पर हाथ की अंगुलियों से आघात करके उत्पन्न होने वाली आवाज़ की जानकारी प्राप्त करना। पाल्पेशन मतलब एक हाथ को रखेगा, एक हाथ को यहाँ पे उस जो स्किन है या उसके शरीर पे रखेंगे, और दूसरे हाथ है उसे क्या करेंगे, यहाँ से टक 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 की आवाज़ उसके ऊपर प्रेस करेंगे, आघात करेंगे, और उसके द्वारा मरीज के जो स्पर्श की जानकारी, अंगों के स्पर्श करने से कैसे अंग की साउंड सुनाई देती है या किस हिसाब से है, अंदर से कठोर है या नॉर्मल है, मुलायम है, तो ये कंडीशन को देखना पाल्पेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में परक्यूशन, परक्यूशन के अंदर देखिएगा, पाल्पेशन के अंदर पहले देखिए पाल्पेशन में क्या, पाल्पेशन मतलब मरीज के अंगों को स्पर्श कर जानकारी प्राप्त करना, स्पर्श करना, इसमें वो टक टक वाली आवाज़ नहीं है। पाल्पेशन के अंदर क्या है कि हाथ को रख दिया, और हाथ को रखने के बाद में ऐसे ऐसे थोड़ा प्रेस करते हुए उसको प्रेस करेंगे, ठीक है ना, बॉडी के ऑर्गन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, और उससे क्या है कि जानकारी मिलेगी। यदि मान लीजिए प्रेस किया और थोड़ा इधर उधर हिलाया, हिलाने के बाद में यदि कोई नीचे गांठ है तो अपन को मालूम पड़ सकता है, तो ये क्या कंडीशन है, पाल्पेशन। और परक्यूशन कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मरीज के शरीर के विशेष भाग पर हाथ की अंगुलियां से आघात करके उत्पन्न होने वाली आवाज़ से जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक हाथ को क्या है, एक हाथ को उसके बॉडी पे रखेंगे, ठीक है, एक हाथ को क्या करेंगे, जो क्लाइंट है उसके बॉडी पे रखेंगे, और दूसरे हाथ से क्या करेंगे कि यहाँ से आघात करेंगे, मतलब टक 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 ऐसे, मतलब साउंड को सुनेंगे, ठीक है, तो वो होता है परक्यूशन। देखिएगा इमेज के अंदर आपको दिखाते हैं परक्यूशन कंडीशन क्या होती है। देखिएगा यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि ये परक्यूशन है, परक्यूशन के अंदर एक हाथ को बॉडी के पास में रखा है और ये दूसरा वाला हाथ है, तो उस दूसरा वाला हाथ से यहाँ से ऐसे टक टक करेंगे और उसकी आवाज़ को सुनेंगे, ठीक है ना, क्या कंडीशन है, ऑर्गन की क्या कंडीशन है उसके बारे में देखेंगे, या जैसे देखेंगे कि फ्लूड का कलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है तो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है एस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप की सहायता से जो बैक वाले पार्ट से साउंड को सुन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पाल्पेशन,
पाल्पेशन के अंदर क्या करते हैं कि ये देखो हाथ है और उस हाथ से क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं, मतलब हाथ से इधर उधर मसल्स को अंदर से देखते हैं, पाल्पेट करके देखना। और उसके बाद में जो फर्स्ट था इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब नॉर्मल कंडीशन में देखना। तो ये कंडीशन थी फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जो फोर मेथड जिसके अंदर इंस्पेक्शन मतलब देख करके, दूसरा है एस्कल्टेशन मतलब स्टेथोस्कोप की सहायता से जो बॉडी के ऊपर लगा करके साउंड को सुनना, पाल्पेट मतलब हाथ से पाल्पेट करते हुए पाल्पेट करना, और जैसे परक्यूशन का मतलब होता है कि एक हाथ को बॉडी के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ की अंगुलियों से साउंड को सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद में है लेबोरेटरी डाटा के द्वारा डाटा का कलेक्शन करना। मरीज के सभी प्रयोगशाला तथ्यों को एकत्रित कर उसका परीक्षण करवाती है नर्स, है ना, ये जो मरीज के सभी प्रयोगशाला तथ्यों को एकत्रित कर उनका परीक्षण करवाती है, जैसे खून है, खून की जांच है, बलगम है, एक्सरे आदि, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जैसे लेबोरेटरी जांच होती है, तो लेबोरेटरी जांच में खून जांच है, बलगम की जांच है और एक्सरे करवाते हैं, बट इसमें होता क्या है कि ये डॉक्टर का आदेश होता है तब किया जाता है। बलगम एक्सरे नर्स के मरीजों के प्रयोगशाला में परीक्षण करवाने का अधिकार नहीं है, परंतु प्रयोगशालाओं तथ्यों का उपयोग नर्सिंग निदान में किया जाता है, ठीक है ना। तो नर्सिंग निदान है, नर्सिंग डायग्नोसिस है, उसके अंदर लेबोरेटरी डाटा का कलेक्शन करके उसका उपयोग लिया जाता है, बट अपन का अधिकार नहीं होता है कि उसकी जाँच करवाए। तो जाँच तो डॉक्टर ने पहले करवाई रखी है और उस जाँच को अपन देखेंगे और लेकर के डाटा कलेक्शन करना है। तो इसमें क्या करना है, जाँच से क्या करना है, डाटा का कलेक्शन करना होगा, ठीक है। तो ये अपने डाटा तैयार कर दिए, उसके बाद में डाटा का एनालिसिस करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस देखो, पहले अपने क्या हो गया, डाटा कलेक्शन के बाद में अभी क्या हो रहा है, डाटा का एनालिसिस हो रहा है। तो डाटा कलेक्शन के लिए अपने बात कर लिया, कैसे कैसे डाटा कलेक्शन करते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती है। अब डाटा कलेक्शन हो गया तो उसका विश्लेषण करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, विश्लेषण, देखिएगा विश्लेषण के बारे में बात करते हैं। संपूर्ण तथ्य एकत्रित हो जाने के बाद नर्स सभी तथ्यों का विश्लेषण करती है, समस्याओं का पता लगाया जाता है और मरीज की वास्तविक समस्या क्या है उसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही डाटा कलेक्शन हो गया, अपने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ये सब देखते हुए डाटा का कलेक्शन किया। डाटा कलेक्शन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा डाटा का एनालिसिस करना। तो उसके एनालिसिस के बाद में मरीज की समस्या का पता लगाते हैं कि उसको वास्तविक कंडीशन क्या है, ठीक है। तो एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करने के बाद में प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब समस्या का विवरण किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, डाटा एनालिसिस हो गया, डाटा एनालिसिस के बाद में क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक बार डाटा एनालिसिस हो जाने के बाद समस्याओं की पहचान कर लेने के बाद नर्सिंग निदान किया जाता है, मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो असेसमेंट के बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगा। तो सारा अपने डाटा कलेक्शन किया, फर्स्ट सेकंड डाटा का एनालिसिस किया, और डाटा एनालिसिस करने के बाद में नेक्स्ट जो करेंगे अपन डाटा नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस डाटा एनालिसिस असेसमेंट करने के बाद में किया जाता है, ठीक है। डाटा नर्सिंग निदान किया जाता है, समस्या विवरण जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, समस्या विवरण में मेडिकल निदान और नर्सिंग निदान किया जाता है। तो इसके अंदर जो डाटा स्टेटमेंट है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके अंदर एक तो मेडिकल डायग्नोसिस होता है, मेडिकल डायग्नोसिस, और एक होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस होता है, एक तो होता है मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है ना, जो मेडिसिन से रिलेटेड होता है। दूसरा है नर्सिंग डायग्नोसिस, जो नर्सिंग स्टाफ के द्वारा डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस का संबंध बीमारी से होता है, मतलब मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब कोई बीमार है या बीमारी से रिलेटेड होता है, और नर्सिंग डायग्नोसिस रोग प्रक्रिया के फलस्वरूप मरीज को होने वाली कठिनाइयों और सुविधा से संबंधित है। देखिएगा डिफरेंस है कि मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। तो नर्सिंग मेडिकल डायग्नोसिस का जो रिलेशन होता है वो बीमारी से होता है, और नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वो मरीज में होने वाली क्या क्या प्रॉब्लम है या उसको क्या सुविधा है तो उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये
आज अपने क्या पढ़े, नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो टॉपिक था, फर्स्ट स्टेप थी या फर्स्ट जो फेज था वो था असेसमेंट, उसके बारे में पढ़े। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े, डेफिनेशन के बाद में उसके पर्पज़ के बारे में बात किया, पर्पज़ के बाद में असेसमेंट प्रोसेस किया जिसके अंदर डाटा कलेक्शन किया, डाटा कलेक्शन के बाद में डाटा एनालिसिस किया, और डाटा एनालिसिस करने के बाद में प्रॉब्लम स्टेटमेंट किए, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद में सारा डाटा एनालिसिस हो गया और उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम के बारे में मालूम पड़ गया। तो अपन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस वाला जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।